नमस्कार, स्वागत है आपका। अगर आपका बजट 6 से 7 लाख रुपए तो आपके मन में कन्फ्यूज़न होगा कि SUV लें क्या सेडान लें। आपके मन में ये दोनों गाड़ियों का जरूर आया होगा, टाटा नेक्सॉन और मारुति सुजुकी डिज़ायर का। तो इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए? इन दोनों गाड़ियों में लगभग 1 लाख रुपये का डिफरेंस है, 1 से 1.25 लाख रुपये का इन दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल में। तो आपको 1 लाख रुपये ज़्यादा देके नेक्सॉन लेना चाहिए और क्या 1 लाख रुपये कम देके डिज़ायर का बेस मॉडल लेना चाहिए? आज हम दोनों गाड़ी के बेस मॉडल कंपेयर करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले डायमेंशंस के बारे में। डिज़ायर की लेंथ 3995 mm है, जो कि नेक्सॉन से 2 mm ज़्यादा है, और डिज़ायर की वेट 1735 mm है, जो कि नेक्सॉन से 476 mm कम है। डिज़ायर की हाइट 1515 mm है, जो कि नेक्सॉन से 91 mm कम है, और हाई व्हील बेस की बात करें तो ये भी नेक्सॉन से 48 mm कम है। तो डायमेंशन के आधार पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ लेंथ में बस डिज़ायर नेक्सॉन से 2 mm से ज़्यादा है, कोई मेजर फ़र्क नहीं है। आपको नेक्सॉन के अंदर डिज़ायर से भी ज़्यादा अच्छी स्पेस मिला करेगी, और बूट स्पेस भी ज़्यादा है नेक्सॉन की, वह हम आपको आगे बताएंगे। चलिए दोनों गाड़ियों के पेट्रोल इंजन कंपेयर करते हैं। आपको डिज़ायर में आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, नेक्सॉन में भी आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। चलिए कंपेयर करते हैं दोनों गाड़ियों के पेट्रोल इंजन को। तो दोनों गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। नेक्सॉन की पावर 120 bhp और डिज़ायर की 89 bhp। डिफरेंस की बात करें तो पावर में 31 bhp ज़्यादा पावर है नेक्सॉन की, और टॉर्क 170 Nm नेक्सॉन का और डिज़ायर का है 114 Nm। और अगर डिफरेंस की बात करें तो 56 mm ज़्यादा टॉर्क है नेक्सॉन का, और जो मेन डिफरेंस है वो है सिलेंडर का। नेक्सॉन का इंजन 3 सिलेंडर और डिज़ायर का 4 सिलेंडर, मतलब कि डिज़ायर का इंजन नेक्सॉन के मुकाबले ज़्यादा स्मूथ और बेहतर परफॉर्मेंस देगा आपको। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो होगा इंजन की बात, इन दोनों के पेट्रोल इंजन की। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो नेक्सॉन में आता है 209 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और डिज़ायर में आता है 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। 46 mm ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस से आता है नेक्सॉन में आपको, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट SUV है। और अगर टर्निंग रेडियस की बात करें, ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। नेक्सॉन का है 5.2 meter और डिज़ायर का है 5.0 meter का, 0.2 mm को डिफरेंस है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। तो नेक्सॉन में आता है 6 speed का मैनुअल और 6 speed का AMT ट्रांसमिशन, और डिज़ायर में आता है 5 speed मैनुअल और 4 speed का AMT ट्रांसमिशन आपको डिज़ायर में मिल जाता है। और इसमें आपको हाइब्रिड इंजन का भी ऑप्शन मिल जाता है पेट्रोल इंजन के साथ। और इसमें व्हील्स एंड टायर्स की बात करें तो दोनों गाड़ी में आपको बेस मॉडल में स्टील व्हील मिलते हैं और ट्यूबलेस टायर दोनों गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। टायर साइज़ की बात करें तो नेक्सॉन का है 195/60R16 टायर साइज बेस मॉडल का, और डिज़ायर के बेस मॉडल का 80R14 2 inch बड़े टायर साइज। अगर फ्रंट ब्रेक की बात करें तो आपको दोनों ही गाड़ियों में डिस्क और रियर में आपको दोनों ही गाड़ियों में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर की। दोनों गाड़ी में आपको ABS, डुअल एयरबैग्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, EBD, इंजन इमोबिलाइजर जैसे फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर की, जो आपको डिज़ायर में नहीं मिल पाते लेकिन नेक्सॉन में मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, रोल ओवर मिटिगेशन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं स्टैंडर्ड बेस मॉडल से ही। और नेक्सॉन को जैसे आपको पता है 5-star रेटिंग मिल चुकी है, और डिज़ायर में ये सब फीचर नहीं आते हैं। चलिए अब बात करते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर के बारे में। तो ये आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं बेस मॉडल में। AC, एयर कंडीशनर, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, स्टेयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, टिल्ट एंड 12 volt पावर आउटलेट जैसे फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं बेस मॉडल में। टॉप मॉडल में आपको इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगे टॉप मॉडल में। चलिए अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो नेक्सॉन की बूट स्पेस है 350 liters की, और डिज़ायर की है 378 liters की। डिज़ायर सेडान है इसलिए इसकी बूट स्पेस थोड़ी ज़्यादा है। कर बेट की बात करें तो नेक्सॉन का है 1350 kg और डिज़ायर का है 880 kg। ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। अगर डिफरेंस की बात करें तो लगभग 470 किलो, लगभग 500 किलो ज़्यादा भारी है नेक्सॉन, इसलिए इसे 5-star रेटिंग भी मिल चुकी है। इससे आपको पता चलता है कि नेक्सॉन की बिल्ड क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त होगी डिज़ायर के कंपैरिजन में। चलिए ये तो हो गई इसकी बात। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्रोजेक्ट दोनों ही गाड़ियों में आपको जो नेक्सॉन में मिल जाते हैं आपको लेकिन डिज़ायर में नहीं मिल पाते, वो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED DRL, टर्न इंडिकेटर विथ RVMs, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
ड्राइविंग मोड्स, इको सिटी और स्पोर्ट जैसे फीचर आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं, लेकिन डिज़ायर के किसी भी वेरिएंट में नहीं मिल पाते। ये फीचर आपको नेक्सॉन के बेस मॉडल में मिल जाते हैं डिज़ायर कंपैरिजन में। चलिए अब बात कर लेते हैं प्राइस के बारे में। तो नेक्सॉन शुरू होती है 6.95 से लाख रुपीज़ से इसका बेस मॉडल आता है, और डिज़ायर आती है इसका बेस मॉडल 5.89 लाख रुपीज़ से। अगर डिफरेंस की बात करें तो 1.09 लाख रुपीज़ का डिफरेंस है दोनों के प्राइस में। तो आपको कौन सी गाड़ी लेना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका, आपको थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, थोड़ी बोल्ड लुक चाहिए, आपको थोड़ी फीचर ज़्यादा चाहिए, आपको नेक्सॉन लेना चाहिए और आपको इंजन पावरफुल चाहिए और आपको माइलेज भी अच्छा चाहिए, तो आप ज़रूर नेक्सॉन लीजिए। और आपको सेफ्टी भी चाहिए इसके साथ साथ, सेफ्टी फीचर तो आप नेक्सॉन लीजिए, लेकिन आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसकी आफ्टर सर्विस नेटवर्क अच्छा हो, जिसमें कम से कम बिगाड़ पाए जाएँ, तो आप ज़रूर डिज़ायर की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इस चैनल पे इसी तरह की वीडियोस हम आपके लाते रहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।